नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुज कुमार सूर्य और आप देख रहे हैं फार्मा टॉक्स। क्या भारत साफ सुथरी और विश्वसनीय परीक्षा कराने में असमर्थ है और अक्षम है? सिस्टम सरकार के हाथ में या माफियाओं के हाथ में, या फिर सरकार और माफिया दोनों की मिलीभगत का परिणाम है नीट में चीट, परीक्षा में प्रश्न पत्र का लीक हो जाना। लाखों युवाओं के सपनों के साथ खिलवाड़ है डॉक्टरी की प्रवेश परीक्षा नीट में। अनेक तरह की धांधली और मक्कारी की खबर सामने आई। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिसे NTA कहा जाता है और जो मेडिकल इंजीनियरिंग फार्मेसी में प्रवेश के लिए परीक्षा आयोजित करती है, नीट की कदाचार मुक्त परीक्षा कराने में असफल रही। पुलिस की जांच संदेहास्पद है, आंतरिक जाँच कमेटी पर भी प्रश्न खड़ा किया जा रहा है। इस प्रकार की घटना शैक्षणिक अराजकता है, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है, सरकार की साख पर धब्बा है और देश के लिए चिंता का विषय है। जान ले कि नीट की परीक्षा का पूरा माजरा क्या है। 5 मई 2024 को नीट की परीक्षा हुई थी। छात्रों ने परीक्षा से पहले ही पेपर लीक होने का आरोप लगाया, लेकिन NTA ने कोई एक्शन नहीं लिया। परीक्षा के दौरान कई सेंटरों पर पेपर बांटने में भी देरी हुई, इसे लेकर छात्रों में हंगामा किया। नीट परीक्षा का रिजल्ट 4 जून को आया। परीक्षा में 67 कैंडिडेटों ने 720 में से 720 यानी 7% अंक मिले, तो वहीं 1563 छात्रों को ग्रेस मार्क मिलने की बात सामने आई। रिजल्ट में और भी कई तथ्य दिखाई दिए, जिस पर खलबली मच गई। धांधली के आरोप लगे, छात्रों ने प्रदर्शन शुरू किया, सुप्रीम कोर्ट तक बात पहुंच गई। हालांकि इसके बाद भी नीट परीक्षा आयोजित करने वाले एजेंसी NTA ने यही दलील दी कि परीक्षा में धांधली नहीं हुई। लेकिन इस बीच बिहार में 13 आरोपियों को पकड़ा गया और उन्होंने जो इकबालिया बयान दिया वो बेहद चौंकाने वाला है। नीट UG एग्जाम में इस बार 24 लाख से अधिक छात्र छात्राओं ने एग्जाम दिया। यह परीक्षा कई अनियमितताओं के आरोप को लेकर विवाद में घिर गई। इस एग्जाम में धांधली को लेकर पूरे देश में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया गया, जिसमें नीट UG 2024 के रिजल्ट को वापस लेने और नए सिरे से परीक्षा आयोजित करने की मांग की गई। सरकार से आग्रह है कि इस मामले को पूरी गंभीरता से लेते हुए परीक्षा की पवित्रता को बनाए रखे। इस घटना में सरकार की मंशा भी संदेह से परे नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार किसी को बचाने की कोशिश कर रही है। इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए फार्मा टॉक्स के साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।